जून महीने का यह नया सप्ताह आपके लिए लेकर आ रहा है एक खास तोहफा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस सप्ताह एक बेहद शक्तिशाली त्रिग्राही योग का निर्माण हो रहा है, जो सभी 12 राशियों पर अपना असर दिखाने वाला है। आप सोच रहे होंगे, त्रिग्राही योग क्या है और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? त्रिग्राही योग तब बनता है जब 3 प्रमुख ग्रह एक ही राशि में स्थित होते हैं और इस योग का प्रभाव अद्वितीय होता है। यह योग आपकी जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को छूता है, चाहे वह आपका करियर हो, आर्थिक स्थिति हो या फिर आपके रिश्ते। देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य पंडित नंदकिशोर मुद्गल ने इस योग के बारे में विस्तृत जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि इस सप्ताह ग्रहों की चाल किस प्रकार से हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस सप्ताह आपकी राशि के सितारे क्या कहते हैं? क्या आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहे हैं या फिर है कुछ मुश्किलों का संकेत? चाहे आप मेष, वृषभ, मिथुन या कर्क राशि के हों, हर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह विशेष रहने वाला है। इसलिए बने रहिए हमारे साथ और जानिए कैसे यह त्रिग्राही योग आपके जीवन को प्रभावित करेगा। आइए बिना किसी देरी के जानते हैं कि आपकी राशि के लिए क्या खास रहने वाला है इस सप्ताह। देखिए क्या आपके लिए सफलता के द्वार खुलने वाले हैं, क्या आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं या फिर सेहत और रिश्तों में आ रहे हैं बदलाव। सप्ताह जो प्रारंभ हो रहा है, इसमें मेष राशि वाले का दोष सकारात्मक के साथ यह सप्ताह प्रारंभ होगा। दोस्त के साथ आपको कहीं तीर्थ पर जाने का योग बन रहा है। वृषभ राशि वालों का भी यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। संपत्ति खरीदने का योग बन रहा है। संपत्ति वाहन यदि आप चाहें खरीदने तो खरीद सकते हैं। मिथुन राशि वाले का यह सप्ताह सकारात्मक रहने वाला है। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, आपका हर समस्या का समाधान होगा। कर्क राशि वालों का यह सप्ताह सकारात्मक रहने वाला है। करियर कारोबार में बढ़ोतरी होगी और आप जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उसको पढ़ाई में मन लगेगा। सिंह राशि वाले का यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है। किसी भी विवाद में न पड़े, आपको हानि हो सकती है। कन्या राशि वालों का यह सप्ताह व्यापार में धन निवेश न करें, आर्थिक क्षति हो सकती है। तुला राशि वालों के कैरियर कारोबार को लेकर विशेष कुछ सोचनीय होगा। आप बहुत अच्छा निर्णय लेने वाले हैं, आपका निर्णय सकारात्मक रहेगा। और वृश्चिक राशि वालों का यह सप्ताह नकारात्मक रहेगा, बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है। आप अपने परिवार में किसी सदस्य के प्रति आप चिंतित रहेंगे, हो सकता है तबीयत भी बिगड़ सकता है। धनु राशि वालों का यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। छात्रों को पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और पढ़ाई करने वाले जो छात्र हैं वो विशेष ध्यान देंगे, नहीं तो यह सप्ताह आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। मकर राशि वालों का यह सप्ताह नकारात्मक रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है। आमदनी कम होगा, खर्च ज़्यादा होगा। आप खर्च से आपका मन बहुत परेशान रहेगा, इसलिए सोच समझ करके आप कार्य को करेंगे। कुंभ राशि वालों का सकारात्मक रहने वाला है, आपका सभी कार्य पूरा होगा, यह सप्ताह बिल्कुल आपके लिए अच्छा है। मीन राशि वाले का यह सप्ताह अच्छा रहने वाला नहीं है, आपका दुर्घटना का योग बन रहा है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। आप यदि इस चीज को देख लिए तो आप सोच समझ करके वाहन चलाएं और वाहन चलाने के साथ साथ हर समय ध्यान रखें कि यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। लोकल 18 के लिए देवघर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट।